गुड मॉर्निंग। आप लोगों की जो पढ़ाई हुई आशा है आपने प्रश्नोत्तर कर लिया होगा। एक पाठ रह गया था जो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैंने ठीक से देखा नहीं था सिलेबस। कैदी और कोकिला भी आपको पढ़ना है प्रतिखंड, तो उसको मैं पहले करवा देता हूँ फिर हम लोग रिवीजन पर चलेंगे। कैदी और कोकिला एक कविता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की लिखी हुई कविता है, बड़ी अच्छी कविता है। ये जो ब्रिटिश काल था, जो अंग्रेजों का जब शासन था, उस समय की पीड़ा व्यक्त की गई है इसमें, जेल में रहते हुए कैसे क्या क्या महसूस होता था उस पर ये कविता है। कैदी और कोकिला, कैदी का मतलब हुआ जो जेल में कैदी है और कोकिला का मतलब कोयल हुआ, तो वो कोयल से बात कर रहे हैं कवि, वहाँ कोयल से बात कर रहे हैं, जो कैदी है वो कोयल से बात करके अपने मन की व्यथा रख रहे हैं, इसलिए इसका शीर्षक है कैदी और कोकिला। कवि का परिचय पहले जान लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ। उन्होंने आजीविका के लिए 16 वर्ष की आयु से ही अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद वह पत्रिकाओं के संपादन कार्य में जुट गए। आजीविका के लिए मतलब अपनी रोजी रोटी के लिए उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था मात्र 16 वर्ष की आयु में, और उसके बाद वह पत्रिकाओं के संपादन में लग गए। पत्रिकाओं के जो संपादक होते हैं, जो उनको संपादित करते हैं, उस काम में वो जुट गए। उन्होंने एक भारतीय आत्मा उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताएं भी लिखी। उन्होंने जो कविताएं लिखी उसको माखनलाल चतुर्वेदी के नाम से नहीं लिखा, एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखा। उस समय क्या होता था कि जो लोग लिखते थे तो उस पर अंग्रेज सरकार की नज़र हुआ करती थी, तो बहुत लोग नाम बदल के लिखते थे ताकि वो परेशान ना करें। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लोक, गूंजे धरा आदि। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर, बलिदान, संघर्ष आदि भावनाएं दिखाई देती हैं। उन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली में लिखी। वह अपनी रचनाओं में भाव को अधिक महत्व देते थे। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी के शब्द मिलते हैं तथा उन्होंने अपनी रचनाएं मुक्तक काव्य में की हैं। उनका निधन 1968 ईस्वी में हो गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे, और जैसा कि मैंने कहा कि पहले जो लोग लिखते थे, प्रेमचंद ने भी शुरू शुरू में नाम बदल कर ही लिखा था, या रामधारी सिंह दिनकर जब लिखा करते थे तो उनकी नौकरी चली गई थी और उनको परेशान भी किया गया था, तो ये सब चीज़ें उस समय होती थी, तो लोग नाम बदल के लिखा करते थे, बाद में फिर वो अपने नाम से लिखने लगे। पाठ में कहा गया है जो ब्रिटिश शासनकाल में जो बर्बरता की जाती थी भारतीयों के साथ, भारतीय कैदियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता, उसी पीड़ा को कैदी कोयल से कहता है, उस माध्यम से व्यक्त किया है कवि ने कि एक कैदी है जो कोयल से अपनी पीड़ा बता रहा है। इस कविता को पढ़ते हुए यह स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक एवं मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया है, ये आप इसमें समझेंगे। तो पहले एक बार कविता पढ़ते हैं फिर उसको समझेंगे भी। क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात करा पहरा है, शासन है या तनख्वाह प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। ये कोयल से, कोयल जो कि रात में बोल रही है, तो उससे कैदी बात कर रहा है। दूसरा काव्यांश है, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली, क्या हुई बावली,
अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। फिर कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रचू जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। ये उससे पूछ भी रहे हैं और फिर उसके मनसा को अपने खुद ही व्यक्त भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भात बो रही, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। आगे है, मैं एक बार पूरा पढ़ देता हूँ फिर हम लोग समझेंगे। काली तू रजनी भी काली, कोयल काली होती है तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृत की ब्याली, जिस पर है काली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर है हो तैराती कोकिल बोलो तो। आगे है, तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभर में संचार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे बाह रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही किस पर रणवेरी, इस उम्मीद पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं कोकिल बोलो तो। तो इस तरह से इस कविता को पढ़ेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा समझते हैं इसको शुरू से। जो पहला काव्यांश है, क्या गाती हो क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो, कैदी जेल में बंद है और अपनी कोठरी से वो सुनता है कोयल की आवाज़ रात में, तो वो बोलता है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रुक रुक जाती हो बीच में, बताओ तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, क्या किसी का संदेशा लाती हो बताओ तो सही, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जब डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, कह रहे हैं कि ये जेल की जो दीवारें हैं ऊंची दीवारें हैं इनके घेरे में, और हमारे साथ वहाँ जो स्वतंत्रता के जो सेनानी थे जो आंदोलनकारी थे उन लोगों को सामान्य कैदियों की तरह रखा जाता था, किसी राजनीतिक कैदी की तरह नहीं रखा जाता था, तो चोर बटमार मतलब पॉकेट मार वगैरह जो डाकू वगैरह होते थे उन्हीं के साथ उनको रख दिया जाता था, ये तो शरीफ लोग होते थे, देशभक्त लोग थे जो देश के लिए लड़ रहे थे, तो ये इनका तो स्वभाव ऐसा था नहीं, लेकिन इनको उन लोग चोर बटमारों के बीच रख दिया जाता था। तो वही कह रहे हैं कि ऊँची काली दीवारों के घेरे में, ये काली काली ऊँची दीवारें हैं, काली से मतलब है खराब, ये दीवार हमारे उसका रंग चाहे जो भी रहा हो उसको काली दीवार कहने का मतलब हुआ कि वो उसको एक बुरी दीवार मान रहा है, बुरा घेरा मान रहा है जो नहीं होना चाहिए था, और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीने के लिए जो इतना खाना चाहिए उतना भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना और ना ही मरने देते, या तो एकदम खाना नहीं देते तो मर ही जाते भूख से, तो मरने भी नहीं देते हैं और जीने के लिए जितना खाना चाहिए उतना भी नहीं देते हैं, यानी तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, आधा पेट खा करके आदमी कैसे रहेगा, तो वो तड़पता कष्ट में रहेगा, तो मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव कह रहा है, अब वो कह रहे हैं कि जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, ये शासन है या अंधेरे का गहरा प्रभाव है, वो शासन को कोस रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि कैसा शासन है अंग्रेजों का, इसको शासन कहेंगे, ये तो लग रहा है जैसे अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, कोई देखने वाला नहीं है, हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा कर रखा है, जैसे हम कोई चोर लुटेरे, हम कोई अपराधी, तो
ये शासन है या किसी अंधेरे का प्रभाव है, किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मैं जगी क्यों वाली। जो चंद्रमा है वह भी अब निराश करके जा रहा है, रोशनी जो दे रहा था वो खत्म करके चल चुका है। रात जो है वो कालिमा में है, तुम इस समय क्यों जगी हुई हो हे सखी। आली मतलब सखी, तो अरे सखी तुम इस समय क्यों जगी हुई हो, जबकि चंद्रमा भी हम लोगों को निराश कर रोशनी से वंचित करके जा चुका है, रात को काली बना करके, तो तुम इस समय क्यों जगी हुई हो। फिर आगे कहते हैं, क्यों भूख पड़ी, क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो, ये जो तुम गा रही हो कू जो कर रही हो, लग रहा है ऐसे हूक तुम्हारे सीने में, कोई हूक पड़ी है मतलब कोई कष्ट है, कोई दर्द है, वेदना के बोझ से लदी हुई, यानी किसी कष्ट के बोझ से जो आदमी कुहकना जिसको कहते हैं, कराहना जिसको कहते हैं, तो क्यों हूक पड़ी है, जो तुम्हारी कूक है ये मुझे हूक जैसी लग रही है, जैसे वेदना पीड़ा में दबी हुई, किसी कष्ट से दबी हुई हो। कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। क्या तुम्हारा जो ये मीठा संपत्ति है, कोयल की संपत्ति क्या है, उसकी मीठी बोली, तो क्या किसी ने इसको लूटा है या लूटने की कोशिश कर रहा है, इसके कष्ट से तुम ये आधी रात को इस अंधेरे में चीख रही हो, कराह रही हो। क्या हुई बावली, या कि तुम पागल हो गई हो, बावली मतलब पगली, क्या तुम पागल हो गई हो, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, क्या तुम पागल हो गई हो जो अर्धरात्रि को चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, या किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। कोकिल बोलो तो, या किसी दावानल की ज्वालाएं तुमको दिख गई हैं, जंगल में लगे हुए आग को दावानल कहते हैं, तो क्या तुमको किसी दावानल की ज्वाला दिख गई है, जंगल में लगी आग दिख गई है कि तुम चीख रही हो उससे डर के। फिर कहते हैं, अब ये अनुमान लगाते हैं कि ये क्यों चीख रही होगी, इसको क्या दुख है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। क्या तुम मेरे शरीर पर जो ये जंजीर बंधे हुए हैं गहने के जैसे, क्या तुम इसको नहीं देख पा रही हो, इससे तुमको कष्ट हो रहा है। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियां नहीं है, ये ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया गहना है हमारे लिए, हम देशभक्त लोग हैं, हम इसको ब्रिटिश राज के द्वारा भेंट किया गया गहना समझ कर पहनते हैं, तुम इससे कष्ट में मत आओ। कोल्हू का चर रखू, कोल्हू समझते हैं आप लोग, कोल्हू तेल पेरा जाता है, अब तो खैर वो मशीन होता है जिसमें वो इंजन लगा के इसको चलाया जाता है, पहले के समय में बैल कोल्हू घुमाते थे, एक मैकेनिज्म होता था, एक मशीन लकड़ी वगैरह का बनाया जाता था, उसमें लोहा और लकड़ी का प्रयोग होता था, उसमें बैलों को बांध दिया जाता था, बैल चारों तरफ से घूमते थे और वो बीच में तेल पेरता था, मतलब सरसों या जो भी जिस चीज़ का भी तेल निकालना हो उसको उसमें रख दिया जाता था, तो वो चक्की की तरह उसको दबाता था, तो ये काम बैल किया करते थे, लेकिन जेल में ये काम कैदियों से करवाया जाता था, उनको दिन में कहा जाता था, जिनको ज़्यादा कठिन सजा देना है तो उनको कोल्हू पेरने के लिए कहा जाता था। तो कह रहे हैं कोल्हू की चर्रचू, अब वो लकड़ी से बना हुआ, जैसे बैलगाड़ी आपने तो नहीं देखा होगा, पहले बैलगाड़ियाँ चलती थी तो उसका चक्का लकड़ी का होता था, तो वो चर्रचू आवाज़ करता, कभी कभी किवाड़ में वैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी, किवाड़ जब कभी बरसात वगैरह में थोड़ा जाम हो जाता है तो वो बंद करने में चर चर करता है, तो वैसी ही आवाज़ की बात कर रहे हैं कि कोल्हू का चर्रचू जीवन की तान, कोल्हू का जो चर्रचू है वो हमारे जीवन की तान है, हम वो मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये दुष्ट अंग्रेज हैं जो हम पर बर्बरता करते हैं, हमें सताने के लिए ये करते हैं, हमारे लिए वो जीवन की तान है, जीवन का गीत है, हम उसको ऐसे लेते हैं, हम हथकड़ियों को गहने की तरह पहन लेते हैं, और जो कोल्हू में हमसे मेहनत करवाया जाता है तो उसकी जो आवाज़ आती है उसको हम जीवन के गीत की तरह लेते हैं। तो कोल्हू की चर्रक का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, पत्थर तोड़वाया जाता है कैदियों से, उस समय तो और ज़्यादा करवाया जाता, तो वो जो गिट्टी बनाते हैं पत्थर तोड़ करके उस पर हमारी उंगलियों ने गान लिखा, मतलब वो भी हमारे लिए गीत के समान है, पत्थर तोड़ना मतलब हमने दिन भर पत्थर तोड़ा, कोल्हू चलाया, लेकिन उसको हम इस तरह से लेते हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। पानी निकालने की जो व्यवस्था होती थी पहले वो भी बैलों से कराया जाता था, एक रहट
मैकेनिज्म होता था, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में या आगे बढ़ेंगे, वो एक चक्का होता था बहुत बड़ा सा और कुएँ की चौड़ाई भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती थी पहले, तो उसमें डब्बे लगे होते थे जो ऐसे घूमता रहता था चक्का, और नीचे से पानी उठा के फिर एक जगह आके वो एक नाला जैसा बनाया रहता था, उसमें उड़ेल देता था, उससे सिंचाई वगैरह होती थी। तो ये काम बैल करते थे वहाँ, फिर बैल ही घूमते थे जिससे वो चक्का घूमता था। तो यहाँ कैदियों से वो एक डंडा बड़ा सा मोटा सा लेके ऐसे पेट में लगा के उनको ऐसे करके घूमना होता था, ऐसे ऐसे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है तो ऐसे लेके वो चलते थे ऐसे। तो ये कह रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मोट मतलब भार वजन, तो पेट पर जुआ लगा के मैं मोट खींचता हूँ, भार खींचता हूँ, और उससे जो पानी निकलता है वो ऐसा, हम लोग उसको ऐसा मानते हैं कि ब्रिटिश राज की जो अकड़ है, उसका जो घमंड है का कुआं है, उसको हम लोग खाली करते हैं। हम लोगों के अंदर ये जज्बा है कि हम वहाँ पानी नहीं निकाल रहे हैं, हम उसका घमंड तोड़ रहे हैं, उसके घमंड का कुआं खाली कर रहे हैं। हमारा प्रयास एक दिन सफल होगा, इनका घमंड टूटेगा और इनको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ठा रही आली। अब वो कोयल की के तरफ से सोच रहे हैं कि तुम कहीं ना कहीं ये तो नहीं कर रही हो कि दिन में तुम्हारी जो करुणा है ये सब मेरी हालत देखकर, वो दिन में रुलाने वाली करुणा क्यों जगे, लोग देखेंगे पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए तुम चुपचाप रात में ये करुणा में गीत गा रही हो अपनी कूक से। तुम दिन में, तुमको ये ठीक नहीं लग रहा होगा कि ये रोने वाली करुणा दिन में क्यों जगे मेरे मन में काम करते समय, तो इसलिए तुम रात में ये सुना रही हो विरह वेदना, इसलिए रात में गजब ढा रही जाली, मतलब ये करुणा भरी जो तुम्हारी आवाज़ है वो गजब ढा रही है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है मुझे। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, फिर वो प्रश्न भी कर रहे हैं कि अगर ये सब बातें नहीं है तो इस शांत समय में इस अंधकार को चीरते हुए तुम क्यों रो रही हो, उसके कूकने को रोने से फिर तुलना कर रहे हैं कि तुम क्यों रो रही हो अगर ऐसी बात नहीं है तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, ये मीठे स्वर में जो तुम विद्रोह का बीज, रात में चिड़िया का बोलना तो रात का काम नहीं है, ये उल्टी क्रिया है, चिड़िया दिन में बोलती है रात में सोती है, लेकिन ये रात में बोल रही है, तो उसको विद्रोह बीज का नाम दिया कि तुम ये रात में इस शांत समय में अंधकार को चीरते हुए रो रही हो, और इस चुपचाप मधुर विद्रोह भी, तुम्हारी जो मीठी ध्वनि है उसमें जो विद्रोह का स्वर छिपा हुआ है जो तुम हम लोगों के बीच में फैलाना चाह रही हो, ये ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपना मधुर आवाज़ में विद्रोह का बीज बोना चाह रही हो, क्या तुम्हारी मनसा ये है। आगे कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। अब वो काली माँ का वर्णन करेगा, तू काली है रात भी काली, कोयल काली होती है तो तू भी काली है रात भी काली है, शासन की करनी भी काली है, ये जो अंग्रेज शासन है ये जो काम कर रही है, ये लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ, ये भी काला है, मतलब बुरा है, काला बुरा का प्रतीक होता है। तो काली तू रजनी भी काली, रजनी मतलब रात, तू भी काली रात भी काली, और इन शासकों की करनी भी काली है हमारे साथ। काली लहर कल्पना काली, जो लहरें मन में उठती है वो भी काली है, हमारी कल्पनाएं भी काली हो रही हैं, हम अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं इस माहौल में। मेरी काल कोठरी काली, काल कोठरी जिसमें कैदी को बंद रखा जाता है उसको काल कोठरी कहते हैं, जिसमें कहीं से कोई कनेक्शन नहीं होता, कहीं से कोई रोशनी की व्यवस्था नहीं होती है, वो चारों तरफ से बंद होता है, सिर्फ खाना देने के लिए व्यवस्था उसमें होती है, जिसको उठा के खाना दे दिया जाता है। तो मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, जो टोपी मैंने पहना है काली, कमली काली, कंबल भी काली है, मेरी लौह श्रृंखला काली, जो हथकड़ी और बेड़ियाँ उसके शरीर पर हैं वो भी लोहे की हैं, वो भी काली है। पहरे की हूँ कृति की जाली, जो पहरेदार घूम रहे हैं वो बीच में हूँ करते हैं जैसे कि कोई सांप फुफकार रहा हो, वो जो पहरेदारी करने वालों की हुंकृति है, हुंकार है, वो सांप की तरह
डसती है हमें, तिस पर है गाली है आली, और उसके साथ वो गाली भी देते हैं। पहरेदारी करते समय कैदियों को गाली भी देते जाते हैं। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो तुम इस काले संकट के जो सागर का जो सागर देख रही हो, ये सब कुछ काला ही काला है, सब कुछ बुरा ही बुरा है, इस पर तुम मरना चाहती हो, मरने के लिए मदमाती हो, यानी मत हो रही हो, तुम मरना चाहती हो इस पर, इसलिए क्या तुम चीख रही हो? अपने चमकीलों की चमकी लेगी तुम को क्यों कर होता है राती कोकिल बोलो तो। अब इस पर तुम मरने के लिए मदमाती हो और अपने जो चमकी, तुम्हारे गीत तो चमकीले होते हैं, तुम्हारी आवाज़ की तो पूरी दुनिया दीवानी है, इसको तो इस मीठे स्वर का कायल तो हर कोई है, तो तुम उसको इसमें क्यों तैरा रही हो, इस सागर में क्यों तैरा रही हो जहाँ सब कुछ काला ही काला है, सब कुछ बुरा ही बुरा है, इसमें तुम अपने इस चमकीले गीत को क्यों तैरा रही हो इस रात में? फिर कहते हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तुझे हरियाली डाली मिली है, हरी डाल मिली है रहने को, मुझे ये काली कोठरी मिली है, मेरी किस्मत में ये है। तेरा नम भर में संचार, तुम आकाश भर में उड़ सकती हो, तुम्हारी पहुंच पूरे आकाश में है। मेरा 10 फुट का संसार, ये 10x10 की जो कोठरी है, 10 फीट लंबी 10 फीट चौड़ी, मेरा संसार इसी में सीमित है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, तुम्हारे गीत सुनकर लोग वाह वाह कहते हैं, और मैं अगर रोता भी हूँ तो उसको गुनाह माना जाता है, उस पर गालियाँ पड़ती है, डंडे पड़ते हैं। देख विषमता तेरी मेरी बजा रही किस पर रंगेगी, क्या तुम इस विषमता को देखकर, जो तुम्हारे और मेरे बीच में जो विषमता है, असमानता है, तुम्हारे लिए हरियाली डाली है, मेरे लिए काली कोठरी है, तुम्हारे लिए पूरा आकाश है, मेरे लिए 10 फुट का कमरा है, तुम गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं, मैं रोता भी हूँ तो मुझे गालियाँ पड़ती है, तो इस असमानता को देखकर क्या तुम रणभेरी बजा रही हो? रणभेरी कहते हैं जो युद्ध में शुरू होने से पहले जो बजाया जाता है, एक लंबा सा बाजा होता है, अलग अलग तरह का होता है, जिसमें आवाज़ एक निकलती है बूम टाइप की, बहुत तेज आवाज़, मैं उतने जोर से अभी नहीं कर सकता हूँ, तो सिंघा भी बोलते हैं उसको, एक अलग अलग नाम है उसका, बड़ा लंबा सा होता है। रामायण वगैरह अगर आपने देखा हो सीरियल, तो उसमें रावण का जब गेट खुलता है, जब तो वो बजता है, तो रणभेरी उसको कहते हैं, मतलब युद्ध शुरू होने से पहले जो अनाउंसमेंट के लिए, जो घोषणा करने के लिए जो बाजा बजाया जाता है। तो क्या तुम इस विषमता को देखकर रणभेरी बजा रही हो, युद्ध की घोषणा कर रही हो? इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूँ, तो तुम्हारी इस जो रणभेरी की हुंकृति है, हुंकार, इस पर मैं अपनी तरफ से और क्या कर दूँ बताओ? अगर तुम ये कर रही हो तो मेरी तरफ से क्या चाहती हो, मैं क्या कर दूँ बताओ? मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूँ बोलूँ कोकिल बोलो तो। मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, तो गांधी जी ने जो व्रत लिया है स्वतंत्रता का, उस पर मैं उनके व्रत पर किसको प्रेरित करूं? प्राणों का आसव, अपनी जान देकर भी मैं किनको प्रेरित कर दूं? तुम बोलो तो, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने प्राण देकर लोगों को प्रेरणा दूं, जिससे कि गांधी जी का जो व्रत है वो मजबूत हो, वो पूरा हो सके? तुम बोलो तो मैं क्या करूं? तो इस तरह से ये कविता है। एक बार फिर हम लोग कल इसमें से और कुछ जो चीज़ें बची रहेंगी उसको करेंगे, और थोड़ा विस्तार से इसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक मोटे तौर पर कविता पढ़कर सुना दिया, उसका अर्थ मोटे तौर पर बता दिया, विशेष फिर हम लोग प्रश्न उत्तर के समय भी बात कर लेंगे इस पर। और आप लोग कविता को पढ़िएगा और अपने स्तर से इसका सारांश लिखने का कोशिश करिए, भावार्थ लिखने की कोशिश करिएगा, सारांश भी कह सकते हैं उसको, कि इसमें आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या भावनाएं व्यक्त हुई हैं, इसको अपनी तरफ से आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा, तो आपको कविता और समझ में आएगी। जो शब्द नहीं समझ में आए उनको भी नोट करिएगा, ये मैं हर बार बोलता हूँ। चलिए आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।